आखिर क्या है श्रद्धा और आफताब की कहानी? वो क्यों मुंबई से दिल्ली आए और मुंबई से दिल्ली आने के पीछे उनका कारण क्या है? आखिर उनका रिश्ता क्या था? आखिर वो किस रिश्ते के तहत एक साथ रह रहे थे? इन बातों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, बने रहिए वीडियो के अंत तक। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी रविंद्र एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिसे आप कानून वाला के नाम से जानते हैं। आज का हमारा टॉपिक बड़ा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें आफताब की और उसी की जो लिविंग पार्टनर थी उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। इन दोनों की मुलाकात आखिर कहाँ हुई? शुरुआत करते हैं वर्ष 2019 से। दोनों एक कॉल सेंटर में काम करते थे, मुंबई के एक कॉल सेंटर में दोनों काम करते थे। मुंबई के एक कॉल सेंटर में काम करते इस वक्त ये दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया और साथ ही फैसले के तहत इन्होंने मुंबई में एक साथ एक फ्लैट में रहने लग गए। घर वालों ने इस बात का विरोध किया। जो लड़की थी जो उसके साथ आफताब के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी उसके साथ और उसके घर वालों ने विरोध किया, लेकिन वो अपने घर वालों के विरोध के चलते उन्होंने 2022 में मुंबई को छोड़ने का फैसला कर लिया। जब वो मुंबई को छोड़कर आए तो उन्होंने करीबन 20-25 दिन हिमाचल प्रदेश में बिताए, जहां पर उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिसका एक फ्लैट था दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर उसका एक फ्लैट था, उसने अपने फ्लैट को रेंट पर देने की उनसे बात की और इन्होंने रेंट पर लेने के लिए राजी हो गए। इन्होंने रेंट का किराया वगैरह फिक्स किया और दिल्ली जाने के लिए रवाना हो चुके। फ्लैट में जाने के बाद 4-5 दिन गुजरे ही थे कि इनके बीच ऐसे लड़ाई झगड़े होने लग गए जो एक तरह से सीमा को पार कर गए। एक दिन लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच गए कि आफताब ने अपने साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहने वाली श्रद्धा का गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। जब उसकी हत्या कर दी उसके मरने के बाद आफताब बड़ा ही डर गया और उसने उस बॉडी को डिस्पोज करने का फैसला किया ताकि इसके बारे में किसी को पता ना लगे। अगली ही सुबह जब आफताब मार्केट गया तो मार्केट जाकर कुछ पॉलीथीन, कुछ उसके बॉडी के टुकड़े करने के लिए घातक हथियार लेकर आया जिसे उसे काट कर उसके छोटे छोटे टुकड़े करने के लिए, और एक फ्रिज लेकर आया जो उसके शरीर के टुकड़ों को पॉलीथीन में रखकर फ्रिज में रखना चाहता था। और आफताब ने जैसा सोचा था आफताब ने वैसा ही किया। उसके शरीर के, श्रद्धा के शरीर के 35 या 36 टुकड़े कर उसे फ्रिज में रख दिया और रोजाना एक एक टुकड़ों को ले जाकर वह महरौली के जंगलों में फेंक आता था। यह हत्याकांड महरौली हत्याकांड के नाम से काफ़ी प्रचलन में रहा है। इस हत्याकांड में जब वह एक एक टुकड़ों को बार बार फेंकने जाता था तो आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों को शक हुआ इसके बारे में, और शक हुआ तो उन्होंने इसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की। पर एक सबसे पक्का जो बात थी, जो पक्की बात थी इसमें, वो ये थी कि जिस जो श्रद्धा थी वो अपनी माँ से एक ना एक दिन छोड़कर बात करती रहती थी और अपने जो आफताब के और जो स्वयं के बीच के जो झगड़े थे उनके बारे में अपनी माँ को बताया करती थी, और माँ भी अपने अपने हस्बैंड से यानी श्रद्धा के पिता से छिपकर अपनी पुत्री से बात किया करती थी। और जब श्रद्धा की हत्या हो चुकी थी तो काफ़ी दिनों तक जब श्रद्धा से बात नहीं हुई, ना ही कोई कॉन्टेक्ट हुआ, तो उसकी माँ डर गई। जब उसकी माँ ने अपने श्रद्धा के पिता से पूरी बात बताई तो श्रद्धा के पिता ने भी, वो भी आखिर एक पिता है, श्रद्धा के पिता ने इसके बारे में सोच विचार किया और सोच विचार करने के बाद दोनों माता पिता श्रद्धा के गार्जियन चले गए पुलिस स्टेशन और वहाँ जाकर किए FIR अपनी बेटी के लापता होने पर, अपनी बेटी के पता लगाने के लिए। तो मुंबई पुलिस ने अपनी FIR को ट्रांसफ़र किया दिल्ली पुलिस के पास। जब दिल्ली पुलिस को ये FIR मिली तो दिल्ली पुलिस ने जाकर वहाँ पर पता किया, तब वहाँ जाकर मालूम हुआ कि हाँ, कोई यहाँ पर श्रद्धा और आफताब नाम का कोई व्यक्ति रहता था, पर अभी उनके घर पर ताला लगा हुआ था। और जैसे जैसे छानबीन हुई पुलिस ने आफताब के नंबर पर कॉल भी किया तो उसने थाने में आने से बिल्कुल मना कर दिया था। तो उसकी फ़ोन की लोकेशन को ट्रेस कर उसे गिरफ्तार किया गया और डांट फटकारने के बाद जब उसने स्वीकार किया कि हाँ, मैंने श्रद्धा को गला घोटकर मार दिया और उसके कुछ टुकड़े मैंने जंगल में फेंक दिए महरौली के जंगलों में, और कुछ टुकड़े फिलहाल अभी भी फ्रिज से पुलिस वालों ने बरामद किए हैं। तो ऐसा हत्याकांड समाज के लिए बहुत ही घिनौना है,
ऐसे हत्याकांड के प्रति आपको और हमें और हमारे समाज को जागरूक होने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे घिनौने अपराध समाज में एक धब्बे के स्वरूप है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके, और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए, अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा दबाव डालिए ताकि आपके डर की वजह से वो ऐसा कोई गलत कदम ना उठाएं, ना ही किसी गलत व्यक्ति के चंगुल में वो फंस सके। इसलिए अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कीजिए। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।